हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स मेफ्टल स्पास टैबलेट के बारे में। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं मेफ्टल स्पास के बारे में। तो मेफ्टल स्पास में होता है फ्रेंड्स मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसे बनाती है ब्लू क्रॉस कंपनी। अब इसके यूजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मेफ्टल स्पास मोस्टली फ्रेंड्स यूज़ होता है स्टमक रिलेटेड इश्यू में। मीन्स अगर आपके स्टमक में किसी भी तरह का पेन है, दर्द है, तो उस केस में आप मेफ्टल स्पास को ले सकते हैं। अगर आपके इंटेस्टाइन में यानी कि आंतों में भी दर्द हो रहा हो या पेन हो रहा हो, तो उस केस में भी आप मेफ्टल स्पास को आसानी से ले सकते हैं। जैसे आपके स्टमक में अगर एथेन टाइप का पेन हो रहा हो, तो उस केस में भी आप मेफ्टल स्पास को ले सकते हैं। और इसे फीमेल्स भी ले सकती हैं, उन्हें मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है उस केस में, या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है, तो उस केस में मेफ्टल स्पास को आप वो ले सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है फ्रेंड्स नोसिया, डिजीनेस, स्लीपनेसनेस। अब इसके डोज के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो इसका डोज मोस्टली ले सकते हैं आप फ्रेंड्स एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद, और जैसा कि आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। यदि ज़्यादा पेन हो रहा हो तो आप 3 टाइम भी ले सकते हैं। सो होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।